वगैरह भी आए हुए हैं, जैसे कि एक साल का शील्ड हमारा अभी एंटेन वेरिएंट अगर कोई लेते हैं, कोई भी कस्टमर लेते हैं, तो एक साल की शील्ड फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल जाएगी। अरे भाई शील्ड क्या है, मतलब आप एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, दैट इज है क्या? एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी, गाड़ी की वारंटी हम लोग एक्सटेंड कराते हैं, वो आपको अभी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रही है, प्लस 20,000 की एसेसरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रही है एंटेन वेरिएंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर वर्ल्ड में, मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ। तो फिलहाल जो है मैं महिंद्रा के आउटलेट पाया हूं, जो कि धनबाद मेरे होम टाउन धनसार के अंदर है। तो नया वाला शोरूम यहां पे आप सबसे पहले देख लीजिए, पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर जो है आपको अंदर से बाहर से पूरा चाहिए। उसके अलावा आज जो हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वो इस बुलेरो नियो का रिव्यू करने वाले हैं, और हमारे साथ जो है अपने आदित्य भाई हैं, ये एक्चुअली मेरे स्कूल फ्रेंड भी रह चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी स्कूलिंग जो है वो साथ में की है। उसके अलावा इन्होंने जो है अपनी महिंद्रा ज्वाइन कर लिया, उससे पहले ये टोयोटा में भी थे, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है गाड़ी से रिलेटेड। तो हम लोग थोड़ा इनसे भी बातचीत करेंगे कि इनका क्या ओपिनियन है इस नई वाली बुलेरो नियो के बारे में। आदित्य भाई आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंज होके आया है अभी रिसेंटली। कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह होके आए हैं, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं बोलेरो इज ऑलवेज नोन फॉर इट्स लेगेसी, ठीक है, अपना लेगेसी के अपने नाम से जाना जाता है, ठीक है, एंड जो टफनेस, रफ एंड टफ गाड़ी, अगर किसी गाड़ी की बात करें तो हमेशा बोलेरो की पहला प्रायोरिटी होता है कस्टमर का किसी भी एरिया में, किसी भी सेक्टर में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि BCCL वगैरह में भी जो माइंस में गाड़ियां वगैरह चलती हैं, ज्यादातर हमारी बोलेरोस, कैंपर्स, यही सब चल रही है, स्कॉर्पियो भी चलती है। और आदित्य भाई मैं आपको एक मिनट यहाँ पर रोकना चाहूँगा, और वैसे भी जो महिंद्रा है अभी इनका स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल पे ज़्यादा फोकस हो चुका है, क्योंकि इनका जो लाइनअप है जी, अगर बोलेरो की बात कर ले, बोलेरो नियो की बात कर ले, थार लेजेंडरी, ठीक है, इनफैक्ट मेरी भी पर्सनल फेवरेट गाड़ी है वो जी, जी, और मेरा भी ड्रीम है महिंद्रा थार, उसके अलावा महिंद्रा XUV 700, ये सब गाड़ियाँ जो है ये मतलब कि एक लाइनअप पूरा सेट कर रखा है महिंद्रा ने। तो उसको देखते हुए जो है आज हम लोग इसके बारे में जो थोड़ा सा अपने कस्टमर तक जो है थोड़ा सा उनको जो जानना चाह रहे थे कि मतलब क्या क्या चेंजेस वगैरह जो इसमें किया गया है, आज हम लोग इसका ही रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका की जो है हम लोग देखेंगे, तो इसमें आपको लॉक अनलॉक कीलेस एंट्री मिल जाता है आपको, ओके, ठीक है, देखिए विद न्यू लोगो, हाँ नया वाला लोगो भी आ गया यहाँ पे, ट्विन पिक्स वाला जो लोगो हमारा है, जो अभी रिसेंट लोगो है, अपडेट हुआ है एंड वो सारा लोगो के साथ आपको ये गाड़ी मिलती है, सब जगह जितने भी मतलब जहाँ जहाँ लोगो का काम किया हुआ है सब जगह आपको ट्विन पिक्स नया लोगो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो देखिए जैसे ही अगर फ्रंट प्रोफाइल को देखेंगे ना, तो फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहली बात तो ये नेपोली ब्लैक कलर के अंदर है, जो कि एकदम सबसे यूनिक, महिंद्रा इज नोन फॉर इट्स ब्लैक कलर, और स्कॉर्पियो से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है, कालिन भैया की भी फेवरेट है स्कॉर्पियो जितने भी मूवीज़ की अगर बात कर ले सब में स्कॉर्पियो ऑल टाइम फेवरेट रही है। उसके अलावा जो ब्लैक कलर है ना इनका, ये वही ब्लैक है जो आपको स्कॉर्पियो मिलता है, नेपोली ब्लैक है। अब कलर वगैरह से हम लोग हट के थोड़ा सा इसके आउटर अपीयरेंस पे आ जाते हैं, तो ग्रिल को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो क्रोम का पूरा ग्रिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और सबसे मेन हाईलाइट जो है वो महिंद्रा का लोगो ट्विन पिक्स वाला, जैसे कि आपको आदित्य भाई ने बताया यहाँ पे ये नया इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और अगर नीचे आ जाएंगे तो डुअल टोन के अंदर जो है इसका बम्पर वो मिल जाएगा, जो कि आपको मैट फिनिश के अंदर है। उसके अलावा यहाँ पे आप इसके फॉग लैंप को देख सकते हैं, और एक खूबसूरत चीज आपको दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल दिखाइए, इसमें आपको DRL मिल जाता है, बिल्कुल DRL भी है, लेट मी टर्न ऑन, अब ठीक है एक बार दिखाइए ऑन कर, फिलहाल देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ये वाला। उसके ठीक नीचे जो है आपका हैलोजन वाला सेटअप जो है वो मिल जाएगा हेडलैम्प के अंदर, हाई बीम लो बीम रिफ्लेक्टर के साथ में, इंडिकेटर जो है आपका इधर रखा गया, प्लस इसमें आपको कॉर्नरिंग लैम्प भी मिल जाता, मतलब जैसे ही स्टेयरिंग आप लेफ्ट या राइट कट करते हैं जिधर भी मुड़ने के लिए, तो ये जो आपको एक्स्ट्रा ब्राइटनेस के लिए यहाँ से कॉर्नरिंग लैम्प वाला फीचर जो वो भी मिल जाएगा। और फॉग लैम्प आप लोग दोबारा से देख लीजिए कुछ इस तरीके का जो है इसमें आपको फॉग लैम्प मिल जाएगा, जितने भाई ने जो आपको ऑन करके भी दिखा दिया है यहाँ पे। अब अगर बोनेट की बात करेंगे तो काफ़ी आप देख सकते हैं बड़ा सा बोनेट है और खड़ा है, ऐसा नहीं कि बोनेट जो है वो स्लोपिंग फॉर्म में नहीं है, और कहीं ना कहीं जो मुझे ये डिफेंडर की भी याद दिलाता है। अगर आप इसका ए पिलर देखोगे ना, ये देखो ये वाला पोर्शन जो है आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि पूरा डिफेंडर वाला फील जो आपको आने वाला है,
क्योंकि डिफेंडर का भी जो डिज़ाइन है वो टॉल बॉय बॉक्सी डिज़ाइन है, क्या देते हैं भाई, है ना। उसके अलावा अगर हम लोग साइड प्रोफाइल में आ जाते हैं तो साइड प्रोफाइल में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर जो है वो दिख जाता है, जो कि ऑरेंज कलर के अंदर रखा गया है। क्लैडिंग जो है वो आपको वो दिख जाएगी। यहाँ पे आप इसके अलॉय व्हील को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब अलॉय व्हील का जो प्रोफाइल है वो 15 इंचेस का है। उसके अलावा जो 215/75 R15 जो इसका टायर प्रोफाइल है, फ्रंट के अंदर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक वो मिल जाएगा। महिंद्रा का लोगो वो अपडेट हो चुका है, नया आ गया है यहाँ पे। अब साइड में अगर और अगर बढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे जो आपको ORVM दिया गया है उसे आप देख लीजिए, पूरा ब्लैक कलर के अंदर है। ए पिलर जो है काफ़ी मोटा और थिक सा ए पिलर है, जो कि सेफ्टी पर्पज से भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। विंडशील्ड की अगर बात करोगे तो वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ आपको विंडशील्ड पे 2 वाइपर्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगे। एंटीना जो है आपको वहाँ पे रखा गया है। उसके अलावा 2 वॉशर्स जो है वो भी मिल जाते हैं। अब जो आपने देखा होगा कि बुलेरो में एक चीज़ जो है शुरू से ही बहुत कॉमन रही है, वो ये वाली स्ट्रिपिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये आपको बुलेरो क्लासिक में भी मिलती थी, और बुलेरो न्यू में भी ये वाला जो है कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया, ये वाला डिज़ाइन, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा ब्लैक कलर के अंदर डोर हैंडल जो वो मिल जाएगा। नीचे आपको क्लैडिंग भी मिल जाती है, देख लीजिए काफ़ी मोटी सी क्लैडिंग जो है ये मिल जाएगी, ताकि आप रफ सर्फेस वगैरह पर लेके जाते हो तो बॉडी पर स्क्रैच ना आए, आपका स्क्रैच जो है सिर्फ यहीं तक रह जाएगा। बैक प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पे आप डोर हैंडल देख सकते हैं, ब्लैक कलर के अंदर मिल जाएगा वो। उसके अलावा रेयर व्हील जो है यहाँ पे आप देखिए, रेयर व्हील जो है आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको ड्रम मिलता है, महिंद्रा का नया वाला लोगो, प्रोफाइल वगैरह जो मैंने आपको दिखाई दिया। और उससे भी अच्छी बात क्या है कि लैडर ऑन फ्रेम चासी पे है, तो उसके ऊपर जो है बॉडी इसकी माउंट की गई है। अब पीछे अगर आ जाते हैं तो यहाँ जो है आपको हेलोजन वाला सेटअप जो है वो मिल जाता है टेल लैम्प के अंदर। यहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्टर वगैरह है वो भी रखा गया है। उसके अलावा जो आपका इंडिकेटर है वो मिल जाएगा, रिवर्स लैम्प वो भी मिल जाता है। N10 की बैजिंग इधर आप देख लीजिए, 2 पार्किंग सेंसर्स वो मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर के साथ में। और जो इसका स्पेयर व्हील है उसके लिए एक स्पेशल कवर भी लगाया गया है, जिसपे आपको महिंद्रा का न्यू वाला लोगो और यहाँ पे आपको बुलेरो की इम्बोजिंग जो वो मिल जाती है। यहाँ आप बुलेरो नियो की इम्बोजिंग देख सकते हैं। विंडशील्ड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको डिफॉगर जो वो मिल जाएगा, वॉशर जो है आपका, वाइपर वो भी मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लेंथ, और इनबिल्ट जो है आपको इसमें स्पॉइलर भी दे दिया गया है। यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको हैंडल जो है वो मिल जाता है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर जो है आपको एक रेयर व्हील ड्रिवन SUV मिल जा रही है, जो कि बेसिकली होता क्या है कि अभी मॉडर्न जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है तो उसमें आपको इस प्राइस पॉइंट पे ज़्यादा फ्रंट व्हील ड्राइव SUV ही मिलती है। बट सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको डिफरेंशियल मिल जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और चेसी पे बॉडी जो है माउंट की गई है, तो उसकी जो है एक अलग टफनेस हो जाती है, क्या देते हैं भाई, सही है ना। और यहाँ पे आप इसके फ्यूल कैप को भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका पूरा बड़ा सा फ्यूल कैप जो है वो मिल जाएगा। एक बार आप लोग डिफरेंशियल भी देख लीजिए, तो अब जो हम लोग आ चुके हैं इसके को ड्राइवर साइड एरिया में, को ड्राइवर साइड एरिया का व्यू जो है यहाँ से आप देखिए, जैसा कि आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल अभी भाई बोलिए, बोलेरो नियो के बारे में आपका भी लैडर और फ्रेम चैसी एंड वगैरह ये सब के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो गाड़ी लॉन्च हुई थी उसी समय बताया गया कि इट्स हैविंग मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी, MTT जो हमारे महिंद्रा में बोलते हैं, उसके साथ आती है ये गाड़ी, ठीक है। तो कैसा भी रोड हो, ऑफ रोडिंग वगैरह भी करना हो, उसके लिए भी परफेक्ट है हमारी गाड़ी, परफेक्ट हो। अब अगर डोर को हम लोग ओपन करेंगे तो डोर को जैसे ही आप ओपन करते हो तो यहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा स्पीकर की प्लेसिंग जो है वो मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको बॉटम होल्डर का स्पेस, आपको लॉक लीवर जो है वो मिल जाता है, और यहाँ पे जो है आपको ग्रेस फिनिश जो वो मिल जाएगा। अब जो पावर विंडो का कंट्रोल रखा गया है वो यहाँ पर रखा गया है, तो आप देख सकते हैं कि चारों पावर विंडो का कंट्रोल जो है वो आपको इधर मिल जाएगा। अब मैं आपको बढ़िया से दिखाऊंगा उस साइड जाके, इस साइड जो मैं आदित्य भाई को बोलता हूँ, आदित्य भाई आप इधर आ जाओ, मैं उस साइड जाता हूँ ड्राइवर साइड डोर की तरफ, की आप रखो, किसे आप ओपन करो, मैं उधर से एंटर करता हूँ। तो फाइनली आप ड्राइवर साइड डोर जो है उसे देख सकते हैं, स्पीकर की प्लेसिंग इधर आपको मिल जाती है, बॉटल होल्डर का स्पेस, थोड़ा सा स्पेस आपको इधर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर सीट एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आप इसके सीट को देख सकते हैं, इसमें जो है अपना रिक्लाइन और हाइट एंगल वगैरह जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग। 3 पैडल्स मिल जाते हैं, मैनुअल वेरिएंट है ये। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ बटन्स वगैरह दिए गए हैं, जिसके अंदर जो है आपको इको का बटन जो है वो मिल जा रहा है, हेडलैम्प लेबलर, और एक चीज़ और यहाँ पे आपको अगर अपना ORVM का जो है ग्लास एडजस्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे सारा सिस्टम जो वो मिल जाता है। फिलहाल जो हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं, तो अंदर आने के बाद जब डोर को बंद कर लेते हैं
और यहाँ पे आपको जो है इग्निशन का जो पूरा स्विच है वो मिल जाता है। तो की यहाँ पे आपको लगाने के बाद जो है इग्निशन हम लोग के पास इसका टर्न ऑन करते हैं। तो फिलहाल जो इसका इग्निशन है वो टर्न ऑन हो चुका है। और भाई ये पूरा थार वाला सिस्टम लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये पूरा थार की तरह से ही करा जो है वो पूरा थार से सेम टू सेम थार की तरह प्लस इसका स्टीयरिंग व्हील भी जो है ना वो मुझे थार का ही याद दिला रहा है। अगर स्टीयरिंग व्हील को आप देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल का बटन जो है आपको इस साइड मिल जाएगा। इधर जो आपका कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट वॉइस कमांड वगैरह लगाना है तो आप इधर से कर सकते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, हाँ, दोनों ही मिल जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे महिंद्रा का न्यू वाला लोगो वो मिल जाएगा। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो है आपको मार्किंग देखने को मिल जाती है 0 से लेकर 7 तक की। इस साइड जो है आपको 0 से लेकर 180 तक की जो मार्किंग है वो दिख जाएगी स्पीडोमीटर में। उसके अलावा सेंटर के अंदर आपको MID भी दी गई है जिसके अंदर जो है वेरियस इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर वगैरह क्या है, ट्रिप ए ट्रिप बी, माइलेज कार SUV जो है कितनी दे रही है, वो सब सारा कुछ आप देख पाएंगे। टायर टॉनिक्स भी है इसके अंदर। ओके बिल्कुल। अब अगर पूरा डैशबोर्ड का डिजाइन देखेंगे तो डुअल टोन के अंदर रखा गया है। यहाँ पे जो है आपको डीप ग्रे बोल सकते हैं या ब्लैक भी बोल सकते हैं, ब्लैक बोल सकते हैं। उसके अलावा जो है ये कुछ कुछ ब्राउन फिनिश पे जो रखा गया है, ये वाला 2 AC वेंट जो है वो आ जाता है। प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है Kenwood का, ये कंपनी तरफ से आ रहा है, कंपनी की तरफ से, ये कंपनी की तरफ से ही आ रहा है Kenwood कंपनी का। इसमें फीचर्स क्या क्या मिल जाता है भाई? ब्लूटूथ वगैरह तो आ जाएगा इसमें, सारा चीज आ जाता है, बता दे रहा हूँ क्या क्या फीचर्स है, आप देख लीजिए। ठीक है, रेडियो, USB, AVN, उसके अलावा जो रेडियो वगैरह भी सपोर्टेड है इसमें। ठीक है, और ये पूरा टच वाला सिस्टम है यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, वॉल्यूम कंट्रोल्स हो गया। और उसके ठीक नीचे अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका हैजार्ड लैंप का स्विच वो मिल जाएगा। AC भी जो है इसमें आपको मिल जाता है, तो AC भी यहाँ से आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे AC से रिलेटेड जो कंट्रोल है वो भी मिल जाएंगे यहाँ पे। एक जो है आपका यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट वो मिल जाता है 12V का, उसके ठीक बगल में USB पोर्ट, उसके ठीक बगल में ऑक्स का पोर्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा छोटा सा, आप देख पा रहे हैं। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो अगर आप स्कॉर्पियो को नहीं लेना चाहते हैं, बजट कम है, तो इसके लिए आराम से जा सकते हैं। स्कॉर्पियो वाला पूरा फील इसमें मिलने वाला है। प्लस सबसे अच्छी बात क्या है कि सेपरेट जो है यहाँ पे हैंडरेस्ट मिल जाता है, जो कि पूरा स्कॉर्पियो वाला फील है यहाँ, पूरा स्कॉर्पियो वाला फील है। यही चीज आपको रियर में मिल रहा है। आप ड्राइवर साइड भी देख लीजिए, यहाँ पे आदित्य भाई को ड्राइवर साइड बैठे हुए हैं, तो इनके लिए भी एक स्पेशल जो है यहाँ पे सेपरेट सा मिल जाएगा। ठीक है, वो बड़ा वाला नहीं है जैसे आजकल मॉडर्न तो हो गया, बट वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग। मुझे पर्सनली ज्यादा यही वाला कंफर्टेबल लगता है, कंफर्टेबल तो होता ही है। उसके अलावा जो आपका हैंड ब्रेक है वो देख लीजिए, कप होल्डर, बॉटल होल्डर का स्पेस, पावर विंडो से रिलेटेड जो भी कंट्रोल है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फोन वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे रख के। ग्लव बॉक्स देख लीजिए, डीप है, बड़ा है। और SRS एयरबैग की बैजिंग जो है वो आपको मिल जाती है, फ्रंट 2 एयरबैग्स जो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अपना IRVM जो है वो आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इधर से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे आपका लैंप दिया गया है ये मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप वॉइस कमांड वगैरह लगाते हैं तो इसके लिए जो आपका माइक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कॉलिंग वगैरह के लिए कॉलिंग वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और यहीं अगर सनसेट की बात करेंगे तो इधर आपको ड्राइवर साइड टिकट होल्डर, को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल वगैरह देख लीजिए। तो फ्रंट रो जो है यहाँ से कंप्लीट हो चुका है फ्रंट रो में, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस जो है वो मिल जाएगा। प्लस आई थिंक यहाँ पे ट्विटर दिया गया है, ट्विटर है यहाँ पे ए पिलर पे। अब हम लोग चलेंगे इसके सेकंड रो में और सेकंड रो का स्पेस वगैरह भी देख लेते हैं क्या है वहाँ पे। तो सेकंड रो का जो डोर है इस पे यहाँ पे आपको पावर विंडो का बटन जो है वो मिल जाएगा, लॉक लीवर वगैरह देख लीजिए, स्पीकर की प्लेसिंग वो भी इधर आपको मिल जाती है। और इधर जो है अपना सीट पूरा देख लीजिए, इसके अंदर जो आपको रिक्लाइन एंगल वगैरह दिया है वो काफ़ी डिसेंट रखा गया है ताकि आपको किस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके अलावा आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट वगैरह भी मिल जाएगा। उसके अलावा आप हेडरेस्ट वो भी देख सकते हैं पीछे की तरफ, जो इसमें आपको प्रॉपर 2 हेडरेस्ट वो मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, आई थिंक कप होल्डर होना चाहिए है ना। ठीक है, मैं यहाँ से ही दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कप होल्डर सर नहीं है, कप होल्डर्स नहीं है, बट ये दो लोग जो है इस पे इजिली जो है कंफर्टेबली अपना आर्म जो है वो रख पाएंगे। उसके अलावा अगर स्पेस की बात करते हैं तो आप देखिए कुछ इतना स्पेस जो इधर आपको मिल जा रहा है। लोअर हम्प वगैरह जो है वो बहुत कम रखा गया, अगर 5% भी बैठता तो किस तरीके की जो है प्रॉब्लम नहीं आने वाली यहाँ पर। और आप देखिए पूरा व्यू यहाँ से,
सेकेंड रो थर्ड रो के लिए यहाँ पे आपको लाइट का सेटअप जो है वो मिल जाएगा, जो कि हैलोजन के अंदर ही आता है। तो अब जो हम लोग थर्ड रो की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं थर्ड रो में जो है क्या है वहाँ पे। तो थर्ड रो का जो डोर है वो काफ़ी वाइड ओपनिंग है, यहाँ से आप देखिए पूरा जो है वो ओपन हो जाता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे थर्ड रो में दो लोग जो है वो इजीली बैठ सकते हैं। तो ये सीट वगैरह भी जो है फोल्ड कर पाएंगे, इसको फोल्ड करके जो है, तो सीट जो है फोल्ड करके आप पूरा प्रॉपर बूट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखते हैं भाई इसका बूट स्पेस कितना होगा। 384 लीटर है सीट फोल्ड करने के बाद। हाँ, तो ये दोनों सीट जो है अगर जरूरत नहीं तो उसे फोल्ड भी अनफोल्ड फोल्ड अपने हिसाब से जो है कुछ इतना लोडिंग लिप जो वो मिल जाता है। पीछे जो है स्मॉल ऑक्यूपेंट्स वो काफ़ी इजीली फिट हो जाएंगे। उसके अलावा जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी आई थिंक नहीं ये मुड़ा हुआ है, स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ रखने के लिए स्पेस जो आपको मिल जाता है। और पीछे भी यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल जो है वो मिल जाएगा। तो फाइनली जो हम लोग इसके बूट को बंद कर देते हैं, स्पेयर व्हील यहाँ पे, बोनेट एक बार ओपन करेंगे हम लोग। और ओपन करने के बाद जो देखते हैं इसके अंदर आपको कौन सा इंजन मिलता है। आदित्य भाई एक बार बोनेट ओपन कीजिएगा इसका। ये आप देख सकते हैं ये इसका इंजन है। कितने लीटर का इंजन रहते भाई? 1.5 लीटर का ना। ओके ठीक है, एग्जैक्ट इंजन स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या है वो डिस्प्ले में मैंने जो है मेंशन कर दिया, वहाँ से आप चेक कर लेना। बट जो भी है इसके अंदर एमहॉक इंजन है, जो भी है इसके अंदर सॉलिड है काफ़ी, मतलब रॉक सॉलिड सब फील होता है अगर आप इन पार्ट्स को अगर देखते हैं ना। और यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस जो वो नहीं दिखेगा, पूरा फील्ड ही दिखता है यहाँ पे आपको। यहाँ पे आपको बैटरी दिख जाएगा, यहाँ पे आपको इंजन कवर जो वो दिख जाता है। उसके अलावा जो इसका टर्बो वगैरह है वो आपको सब कुछ इसके अंदर में जो है अगर आप डीपली देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा वो सब। और अगर इंसुलेशन की बात करें तो बोनेट पे जो है आपको इंसुलेशन का वो भी मिल जाता है, यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल जो हम लोग उसको बंद कर देते हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर वेरिएंट्स जो है कितने सारे आते हैं। 1.5 लीटर में है लेकिन आपको इसमें टॉर्क वगैरह, गाड़ी बहुत टॉर्की है। ओके 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, टॉर्क मिल जाता है 240 न्यूटन मीटर का, ठीक है वो मैंने मेंशन कर दिया है। उसके अलावा इसमें वेरिएंट्स कितने आते हैं? वेरिएंट्स इसमें N4, N8 एंड N10 सप्लाई कर रहा है। तो ये जो था ये टॉप ऑफ द लाइन था, N10 वेरिएंट था। अब इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली थी भाई? प्राइसिंग तो अभी जो है मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ कि एक्सोरूम प्राइस कितनी है, उसके अलावा जो ऑन रोड प्राइस होगी वो कितनी होगी। 947 से स्टार्ट हो जाती है ये। ओके N4 ओके 947 एक्सोरूम से ठीक है स्टार्ट हो जाती है। 947 999 इसकी एक्सोरूम है, एंड इसके बाद का जो वेरिएंट है उसका 999 के आसपास है। एंड उसके बाद का अगर वेरिएंट हम लोग देखना चाहते हैं तो वो भी है, दैट इज N10। हाँ, इस वेरिएंट की प्राइसिंग क्या होगी? जो आप देख रहे हैं N10 अभी जो देख रहे हैं इसका 11,30,000 एक्सोरूम प्राइस। उसके अलावा अगर ऑन रोड की बात करें तो ऑन रोड कितना आ जाएगा इसका? ऑन रोड आपका अप्रॉक्स चला जाएगा इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन ये सारा कुछ लेकर, जो बेस वेरिएंट है वो 11,48,000 में हो जाएगी। ठीक है, 12,05,000 में आपी मिड वाली वेरिएंट हो जाएगी N8। हाँ N8 एंड N10 जो है जो लगी हुई है हमारे सामने खड़ी है जो इसकी 13,33,991 अप्रॉक्स। हाँ 13,33,000। ओके ठीक है, थैंक यू आदित्य भाई। हाँ और कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हाँ, एंड इसमें इंक्लूडेड है सारा आपका इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन, फिर आपका शील्ड वारंटी जो होता है, रोड साइड असिस्टेंस, एक्सेसरीज वगैरह नहीं आएगा? एक्सेसरीज भी है 15,000 के एक्सेसरीज, एंड कुछ ऑफर्स वगैरह भी आए हुए हैं जैसे कि 1 साल का शील्ड हमारा अभी N10 वेरिएंट अगर कोई लेते हैं, कोई भी कस्टमर लेते हैं तो 1 साल की शील्ड फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल जाएगी। अरे भाई ये शील्ड क्या है, मतलब आप एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, दैट है क्या? एक्सटेंडेड वारंटी गाड़ी की वारंटी हम लोग एक्सटेंड कराते हैं, वो आपको अभी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जा रही, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रही, प्लस 20,000 की एसेसरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रही है N10 वेरिएंट, जिसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? फुट मैट वगैरह ऊपर है, जैसे कि आप फुटरेस्ट लगवाना चाहते हैं फुटरेस्ट लगवा सकते हैं, फुट मैट वगैरह लगवा सकते हैं, सीट कवर फुट मैट वगैरह, ये सब मतलब 20,000 का बजट है, उसके अंदर जो लगवाना है अब वो 20,000 के अंदर जो भी लगवाना लगवा लीजिए अपने हिसाब से। ओके ठीक है, काफी अच्छा है। टॉप एंड वेरिएंट में अभी ये हमारा ये है ऑफर्स है, एंड 15,000 की एसेसरीज डिस्काउंट,
आपका इसमें भी मिल जा रहा है N4 वेरिएंट, N4 बेस वेरिएंट, बेस वेरिएंट स्टार्टिंग वेरिएंट, उसमें भी 15,000 की एक्सेसरीज लगा के दे रहा हूँ। ओके 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 ओके, ठीक है आदित्य भाई, ठीक है। तो आपने पूरा डिटेल जो था वो देख लिया इससे रिलेटेड। अब आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो, और सबसे पहले यार वीडियो को शेयर करो दबा के अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको फटाफट से जो है नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। एक चीज़ और, अगर आप महिंद्रा पाते हैं तो मैं इनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपके डिस्प्ले पे जो है मैंने मेंशन कर दिया है, वहाँ पे जाके आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए और आगे जो इनको कॉन्टैक्ट कीजिए बुकिंग टेस्ट ड्राइव वगैरह के लिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको नंबर वगैरह जो इनका मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।